सभी हमारे मीडिया के बंधुगण, हम लोग इस नए साल में मेरे साथ आप लोग पहली बार मिल रहे हैं, इसीलिए आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आए दिन हम सभी लोग देख रहे हैं कि सरकार अपने इन 4 सालों का कार्यकाल पूरा कर लिया है और अपने तरीके से जनता के बीच में जिस तरह से आंख में धूल झोंक कर सत्ता में आने का उन्होंने काम किया था, अभी फिर से वही काम उन्होंने शुरू किया है कि सरजमीन पर आप देखेंगे तो उनका काम कुछ दिखता नहीं है, लेकिन खाता बही में आप देखेंगे तो वो अपना काम गिनाने जरूर लग जाते हैं। हम अगर पिछले सरकार की थोड़ा सा याद दिलाएं, क्योंकि आज हम लोग समाज कल्याण से संबंधित या महिलाओं से संबंधित विषय आपके सामने हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसी को फोकस करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो सरकार के स्तर से अगर समाज कल्याण का बात हम लोग करेंगे तो समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग का जो मूल काम है वो आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से जो संचालित होता है, और आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं और उसमें सेविका सहायिका बने संचालित करते हैं। सेविका सहायिका को अगर अभी आप लोग देखेंगे तो जहां तक मेरी जानकारी है उनको अभी तक भी यूनिफॉर्म इस साल का नहीं मिल पाया और यह साल पूरा हो गया। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम इसलिए यहीं से शुरू कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में पिछले सरकार ने जब रघुवर जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इस राज्य में आप लोग को ध्यान में होगा कि कुपोषण किस हद तक बढ़ा हुआ था, और कुपोषण को खत्म करने के लिए मिटाने के लिए पोषण सखी का नियुक्ति हुआ था इस राज्य में। लेकिन वर्तमान सरकार जैसे ही सरकार में आए और पोषण सखी का नियुक्ति उन्होंने रद्द कर दिया या खत्म कर दिया, उन लोगों को अब नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तो मेरे ये कहने का मतलब है, ये मैं जिस तरह से अपने चुनावी वादों में महिलाओं के साथ भी उन्होंने वादा किया था हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, और जो अभी भी वो बातें जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल बोल के लोगों को दिग्भ्रमित करने का उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। हम बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो शुरू हुआ था पिछले सरकार ने शुरू किया था, लेकिन वर्तमान में उस योजना का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले के नाम से लागू है चालू किया गया है। लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है, आप योजना तो वही है लेकिन नाम बदल के आप क्या करना चाहते हैं, बोतल वही है आपने ढक्कन सिर्फ बदल दिया है। तो इन्होंने इस तरह का काम किया है। पिछले सरकार ने जीरो वर्ष से शुरू किया था यह पैसा देने का, जो एक स्लॉट में 5,000 दिया जाता था, और इस सरकार में 8वां क्लास से देना शुरू किया है। तो अगर जो गरीब लोग हैं तो पहला से 8वां तक वो कैसे भेजेगा, कैसे पढ़ाएगा, कोई सीधा तो 8वां क्लास में भर्ती नहीं होगा। तो ये एक तरह से इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनके आंख में धूल झोंकने का वो काम कर रहे हैं। तेजस्विनी योजना आपको ध्यान में होगा, तेजस्विनी योजना का बहुत फोकस उस समय हुआ करता था जो राज्य के 17 जिलों में चलता था, और आज वो योजना बिल्कुल बंद हो गया। इस सरकार ने वो योजना को बंद कर दिया। उसमें किशोरियों के लिए और परित्यक्ता, तो ये दो बाने उससे लाभान्वित होते थे, लेकिन आज के समय में यह योजना भी उन्होंने बंद कर दिया। महिला किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं, महिला किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं है। अगर हम लोग कहेंगे कि महिलाएं आगे पढ़ लिख के आगे बढ़े
या फिर संपत्ति अर्जित करे, ऐसा भी हम लोग मान सकते हैं। तो यह सरकार को ये भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि आप याद करिए कि एक रुपया में 50 लाख तक का रजिस्ट्री महिला के नाम से होना था या पूर्व के सरकार ने लागू किया था, लेकिन जैसे ही वर्तमान सरकार सरकार में आई, सत्ता में आई और इस योजना को उन्होंने बंद कर दिया। राज्य में आपको याद होगा महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जो खुला था इसको भी इन्होंने बंद कर दिया, फार्मा इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था लेकिन उन्होंने ये इसको भी बंद कर दिया। हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं महिला आयोग का इन्होंने अभी तक गठन नहीं किया। वो उद्योगपतियों बिजनेसमैन की पार्टी है इसलिए। अच्छा, किस गरीबों का वो सेवा कर रहे हैं, किस गरीबों का वो काम करते हैं वो दिखाए ना, हम बताते हैं ना हम लोग कहाँ काम करते हैं। अब पेट में दर्द तो उनको होगा, अगर आज राज्य की जनता को कोई खाना भी खिला रहा हो, चावल भी खिला रहा हो, तो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी कहाँ क्या दे रहे हैं, आवास भी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, पेंशन भी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, तो ये क्या दे रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं देते तो ये अकेले कुछ दे देते क्या? तो फिर वो कौन सा काम कर रहे हैं? ये इन्होंने तो सिर्फ यही अभी बार बार आज भी उन लोगों का आया है कि हम 1000 रुपया पेंशन दे रहे हैं, 1000 रुपया पेंशन दे रहे हैं। 1000 रुपया तो हम लोग के रहते हुआ है क्योंकि हम उस डिपार्टमेंट के मंत्री थे। वही तो हम बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं हम ये दे रहे हैं, तो वो भी बोले ना हम ये दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं। हम लोग तो अपना रिपोर्ट कार्ड हर साल देते रहे हैं और आज भी हम लोग बोल रहे हैं, तो वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ का कौन कौन योजना के तहत किन किन व्यक्ति को लाभान्वित कर रहे हैं, ये चीज तो सामने आना चाहिए ना। हवा में तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन आंकड़ा पेश करना चाहिए। हमने तो कहा ना जांच चल रही है, कानून अपना काम कर रही है। जांच तो चल रही है मैडम, आपका क्या कहना है? आरोप गलत है, बेबुनियाद है, आपका क्या कहना है? मेरा तो देखिए, हम एक बिजनेसमैन है और बिजनेस में उतार चढ़ाव हमेशा होते रहता है, कभी कोई चढ़ा तो कभी उतरा भी है, तो इसमें बहुत कुछ चर्चा करने का इसलिए नहीं है कि अगर आरोप लगा है तो मौखिक आरोप हम आपको क्या बताएंगे, वो तो देखने का विषय है ना कि अगर कहीं से कुछ बढ़ा है या घटा है, वो तो काफी देखने का विषय है, चर्चा करने का नहीं। लेकिन है कि आरोप पर निश्चित रूप से सही भी है तो उसका सब कुछ है, गलत है तो उसका भी सब कुछ है। दोनों बात बोल रही हैं आप। हम तो बोल रहे हैं कि अगर आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो उसका पुख्ता प्रमाण होना चाहिए। सरकार कहती है कि हम हमारी सरकार गरीबों को। जी, आपने विस्तार से हमें महिलाओं का जो सुरक्षा हो, सम्मान हो, या जो भी विस्तार से रखी उपस्थित है हमारे महिला मोर्चा के प्रदेश की अध्यक्षा आरती गुजू जी और उपस्थित हमारे प्रेस के सभी नया साल के आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। अभी हमारे पूर्व मंत्री रीश मरांडी जी ने विस्तार से आपके समक्ष सारे बात को रखे, बस हमको और कुछ नहीं, कुछ दो चार बिंदु ही कहना है। जैसे 2019 में जब ये गठबंधन की सरकार, मतलब ठगबंधन की ये सरकार, ये जे में कांग्रेस और आरजेडी की ये सरकार 2019 में घोषणा पत्र में इन्होंने बहुत सपना इस राज्य की जनता को दिखाए थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो महिलाओं को हम सुरक्षा देंगे। सुरक्षा कहाँ मिल रहा है वो तो हमारे पूर्व मंत्री जी बताएं। आज ये इस राज्य की जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, अगर बच्चियां घर से स्कूल कॉलेज जाती हैं तो जब तक घर नहीं लौटती हैं तब तक
पेरेंट्स लोगों का चिंता रहता है कि हमारी बच्ची सही सुरक्षित घर लौटेगी क्या नहीं, ये बहुत बड़ा बात है। और सही में 6 साल से लेकर 60 साल की महिलाओं के साथ किस तरह से बलात्कार की घटना घट रहा है, किस तरह से हत्या हो रही है, ये तो इस राज्य की जनता देख रही है कि हम महिलाओं का सुरक्षा कहीं से नहीं है। चुनाव के समय बहुत तो वादा किए थे कि महिला सुरक्षा को देखते हुए कि जब हम सरकार में आएंगे तो महिलाओं के सुरक्षा को देखते हुए हमें महिलाओं का बैंक का स्थापना करेंगे। हमें महिलाओं के लिए थाना, इन्होंने खुद वादा किए थे 3 लाख आबादी में हमें महिलाओं का थाना का मतलब हमें स्थापना करेंगे। और हम लोग महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते बराबर विधानसभा में क्वेश्चन करते हैं कि 3 लाख आबादी का जो आपने घोषणा किए थे 2019 में वो कहाँ गया, इस पर हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता है विधानसभा में। साथ ही ये